एबीपीएस न्यूज गांव की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एबीपीएस न्यूज की टीम बुलंदशहर जिले के बरोरी गांव पहुंची, जहां पर बनीशा बेगम ग्राम प्रधान है और इस गांव की आबादी 10,000 है, जहां 2,000 से ज्यादा वोटर हैं। राशन कार्ड धारकों की अगर बात की जाए तो यहां बहुत कम संख्या में राशन कार्ड बने हैं, मात्र 271 राशन कार्ड धारक इस गाँव में मौजूद है, जबकि राशन कार्ड से वंचित लोगों की संख्या इससे भी ज्यादा है। इसके साथ साथ ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने विकास के लिए अपने गांव में 3 नाले, 15 खड़ंजे, 15 इंटरलॉकिंग की सड़कें, स्कूल की मरम्मत, 1 नल ईदगाह पर, 300 मीटर का नाला, गांव से बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री और 425 शौचालय के साथ साथ 4 खड़ंजों का भी निर्माण कराया है, तथा जहाँ मरम्मत की जरूरत थी वहाँ पर ग्राम निधि के द्वारा मरम्मत के कार्य भी कराए हैं। लेकिन जब राज्य और केंद्र की सरकार से मांग की बात की गई तो ग्राम प्रधान ने कहा कि उनके गांव को अभी बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, जिनमें सबसे पहले एक पंचायत घर होना बहुत आवश्यक है, पानी की टंकी के साथ साथ 15 सोलर लाइटें, 4 LED लाइट, तालाब का निर्माण आदि तमाम ऐसे काम हैं जो गांव के विकास में जरूरी है और ये विकास कार्य गांव में होने अति आवश्यक है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इंटरलॉकिंग की 15,000 मीटर की सड़क भी उन्हें चाहिए, ताकि गांव के लोग इस सड़क के जरिए अच्छे से अपने वाहन निकाल सकें। स्वास्थ्य केंद्र की भी यहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है, साथ साथ बारात घर भी यहां होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास की बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी 15 से ज्यादा आवासों की उनके गांव को जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी निकासी की व्यवस्था भी गाँव में ठीक नहीं है और स्वास्थ्य की सेवाएं तो पूरी तरह से ठप पड़ी है। भैया हम बरारी ग्राम प्रधान के हैं, ठीक है, हमारी कोई सुन ना रहा, बीजेपी की सरकार चल रही है, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, हमें पंचायत घर की भी ज़रूरत है, हमें नाले की भी ज़रूरत है, हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी सही ना है, हमें पंचायत घर भी नहीं है, हमारे गाँव में हमारी कोई सुनता ही ना है। हमें ये उम्मीद है कि हमारी सरकार सुनेगी और हमें उम्मीद है कि हमारे ये काम होंगे पूरे तो कम 15 मकानों की बहुत सख्त आवश्यकता है, कोई आमदनी नहीं है, राण बेवाओं के घर हैं, ये बनने जरूरी है, सरकार चल रही है, हमें उम्मीद है कि हमारा काम होएगा ही होएगा। ये हमारी तनख्वाह जो है अभी 3,500 है, हमारे 6,000 का तो कैंप पर बीड़ी का खर्चा हो जाता है, हम कैसे गुजारा करेंगे, काम हमने लिखा है यही पूरे हो जाए, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी हमारी सरकार की, हम एहसान मानते हैं अपनी सरकार का।